Hello everyone, today we have discussed about Karl Pearson products movements method. In this method we have using three formula. Number one, if x bar and y bar are integers, so using formula number one. Students, जब आपको x bar and y bar की जो कीमत है वो आपको integers के form में दी गई हो, तब आपको formula number one क्या करना है, use करना है. So r is equal to sigma x minus x bar into y minus y bar upon रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स वायर होल स्क्वायर इंटू रूट सिग्मा वाई माइनस वाई वार होल स्क्वायर. नंबर टू, इफ एक्स वार एंड वाई वार आर फ्रैक्शन, सो द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर नॉट लार्ज, सो यूजिंग फॉर्मूला नंबर टू. जब आपको स्टूडेंट्स एक्स वार एंड वाई वार जो है फ्रैक्शन में दिया गया, मीन्स आपको डेसिमल में दिया हो, पॉइंट में दिया हो, एंड द जो वैल्यू होती है एक्स और वाई की वो आपकी लार्ज नहीं होना चाहिए. लार्ज मीन्स कितनी लार्ज स्टूडेंट, तो 30 से ज्यादा आपकी वैल्यू नहीं होगी. सो यूजिंग फॉर्मूला नंबर टू, तो आपको फॉर्मूला नंबर टू क्या करना है, यूज करना है. देखिए फॉर्मूला नंबर टू क्या है, आर इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इंटू रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर. ये आप लोगों को फॉर्मूला नंबर टू में देखना है. फॉर्मूला नंबर थ्री में हम देखेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या है आपका फॉर्मूला नंबर थ्री, इफ एक्स वार इज इंटीजर्स एंड वाई वार इज फ्रैक्शन, आर एक्स वार एंड वाई वार आर फ्रैक्शन एंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर लार्ज. स्टूडेंट्स, जब आपको एक्स वार इंटीजर्स में दिया हो एंड वाई बार जो है आपको फ्रैक्शन में दिया हो, या फिर एक्स और वाई जो आपको दोनों फ्रैक्शन में दिया हो, तब आपको क्या करना है, फॉर्मूला नंबर थ्री यूज करना है. और इसमें भी आपको जो एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी वो आपकी लार्ज होगी, मींस 30 के अप होगी, ज्यादा होगी. तो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स आपका, आर इज इक्वल टू एन सिग्मा यू बी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा बी अपॉन रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर इंटू सिग्मा एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर. स्टूडेंट्स, मैंने आपको फर्स्ट फॉर्मूला वीडियो फर्स्ट में मैंने अपलोड कर दिया है, जिस किसी बच्चे ने नहीं देखा हो तो वो वहां जाकर देख सकता है. स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन फोर स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन फोर आपका दिया हुआ है, फाइंड द कोरिलेशन कोफिशियंट्स. अब यहाँ पे हमें यहाँ कुछ नहीं दिया गया है कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो जिस प्रकार से हमने उसके फॉर्मूला देखे थे कि किस प्रकार से हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, चलिए इसे देखते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए आपको नंबर ऑफ पजल्स सॉल्व बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स एंड नंबर ऑफ पजल्स सॉल्व बेस्ड ऑन लॉजिक आपको दिया गया है. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स और जो वाई दिया आपको राइट करना है. देखिए क्या क्या दिया आपको, 12 दिया गया है, 8, 9, 10, 8 एंड 11 आपको दिया गया है. एंड वाई में आपको दिया गया है स्टूडेंट्स 11, 10, 4, 7, 13 एंड 16, ये आपको दिया गया है. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका टोटल करना होगा. टोटल करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये फ्रैक्शन में आ रहा है या फिर इंटीजर्स में आ रहा है. चलिए स्टूडेंट, एक्स बार का हम टोटल करेंगे तो आपका आएगा सिग्मा एक्स वार आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 58. ओके, वाई वार का टोटल कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो वाई एक्स सिग्मा वाई आपका आएगा 61. चलिए अभी हमें क्या मिला है, सिग्मा एक्स मिला है, हमें एक्स वार फाइंड करना है. तो एक्स वार हमें पहले पता करना होगा, तभी जाके हम इसको फाइंड कर पाएंगे. तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला यूज करते हैं एक्स वार निकालने के लिए, सिग्मा एक्स वार अपॉन एन. चलिए तो n आपका कितना होगा स्टूडेंट्स, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. चलिए तो 58 अपॉन 6, ठीक है, नंबर ऑफ n से डिवाइड कर देंगे हम लोग स्टूडेंट. तो 58 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 9.67. ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, y बार फाइंड करना है. इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा y अपॉन n, ठीक है, वो आपका 61 दिया है. सो 61 अपॉन 6 तो आप लोगों का आएगा 10.16. अब यहां देख लीजिए आप कि आप लोगों को जो एक्स वार एंड वाई वार की जो वैल्यू है वो दोनों आपको फ्रैक्शन में दी है, मीन्स पॉइंट में दी गई है. तो फ्रैक्शन में दी गई है तो आपको फॉर्मूला नंबर टू यूज करना है.
ठीक है। तो फॉर्मूला नंबर टू के लिए आप लोगों को इसके थ्री कॉलम और बनाने हैं, टू तो आपके बने हुए थे। कौन कौन से स्टूडेंट्स, पहले आपको क्या करना है, एक्स वाई निकालना है, मीन्स दोनों का मल्टीप्लाई करके, फिर आपका आएगा एक्स स्क्वायर एंड लास्ट आपका आएगा वाई स्क्वायर। चलिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए x को y से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा एक्स वाई। तो 12 11 जा 132, 8 10 जा 80, 9 4 जा 36, 10 7 जा 70, 8 13 जा स्टूडेंट 8 13 जा आपका होगा 104 एंड 16 11 जा आपका होगा 176। चलिए इसका टोटल करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आएगा सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 598, ये आप लोगों का इसका टोटल आ गया। अब हमें एक्स स्क्वायर निकालना है स्टूडेंट्स, तो एक्स स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, यहां पे देखिए x है और एक्स स्क्वायर निकालना है, तो x का स्क्वायर निकालने के लिए हमें x को x से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। तो 12 को 12 से करेंगे तो आपका हो जाएगा स्टूडेंट 144, या फिर आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 एंड 11 का स्क्वायर आपका होता है 121। चलिए इसका टोटल करेंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका टोटल आया स्टूडेंट 574। अब हमें क्या करना है, वाई स्क्वायर का टोटल करना है, तो आप क्या करोगे y का जो है उसका स्क्वायर कर दोगे, मतलब 11 को 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सो 11 का स्क्वायर होता है आपका 121, 10 का स्क्वायर आपका होता है स्टूडेंट्स 100, 4 का 16, 7 का 49, 13 का 169 एंड 16 का आपका होता है स्टूडेंट 256। अब इसका भी टोटल कर लेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, तो आपका आएगा सिग्मा वाई वार स्क्वायर इज इक्वल टू 711। चलिए यहां तक ऑलमोस्ट सबको समझ में आ गया स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो लिखेंगे कोरिलेशंस, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे, कोरिलेशंस कोएफिशिएंट, ठीक है, लिख लिया आपने, उसके बाद इसका शॉर्ट फॉर्म यूज कर देंगे हम लोग आर। अब फॉर्मूला लिखेंगे फटाफट, अब सुनो क्या फॉर्मूला होता है, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन में आएगा आपका स्टूडेंट्स रूट में एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू, ठीक है, इनटू समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स आपको कैसे करना है आप लोगों को, ठीक है। यहां पे आएगा एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, यहां से वैल्यू उठा के इसमें रख देना है और आपका आंसर इसमें आ जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए कैसे करना है देखिए, चलिए एन आपका कितना दिया था स्टूडेंट 6, मैंने आपको पहले ही बता दिया, काउंट करना था आपको। उसके बाद सिग्मा एक्स वाई, तो देखिए एक्स वाई आपका है वो आपको दिया हुआ है 598, तो यहां पे आपको राइट करना है 598 माइनस, उसके बाद सिग्मा एक्स, सो सिग्मा एक्स आपको देखिए स्टूडेंट्स कितना दिया गया है आपको, तो 58 आपको यहाँ पे दिया है, तो यहां लिख दीजिए 58 और उसे मल्टीप्लाई करना है सिग्मा वाई से, तो वाई आपका दिया हुआ स्टूडेंट 61, तो 61 से उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसके बाद आपका आता है अपॉन में स्टूडेंट्स, ठीक है, तो अपॉन में राइट करेंगे फटाफट, क्या है आपका रूट में एन सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो एन आपका है 6 और सिग्मा एक्स स्क्वायर आपका यहां पे दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, कितना दिया है 574, तो 574 माइनस, उसके बाद है सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स जो है आपका ये दिया है, इसका होल स्क्वायर आपको करना है, मीन्स 58 का आपको होल स्क्वायर कर देना है इंटू, ठीक है। उसके बाद अब फॉर्मूला है एन मीन्स 6 सिग्मा वाई का स्क्वायर सिग्मा वाई, तो सिग्मा वाई जो आपका है स्टूडेंट्स कितना दिया गया है देखिए जरा फटाफट, इसमें 711 दिया है आपका, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे 711 दिया है, फिर आपका आता है माइनस, ठीक है, फिर सिग्मा वाई का स्क्वायर, तो सिग्मा वाई का स्क्वायर मीन्स 61 का आपको क्या करना है, इसका
स्क्वायर लगा देना है। ओके, यहां तक समझ में आ गया स्टूडेंट्स। उसके बाद हम देखेंगे, अब 6 को 598 से हमें मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों का आएगा स्टूडेंट्स 3588, एंड 58 को 61 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा स्टूडेंट 3538 अपॉन में। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 58 का स्क्वायर करना है, उसके बाद इन दोनों को एक दूसरे से माइनस कर देना है स्टूडेंट। देखिए, तो 6 को 574 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रूट में आ जाएगा 3444 माइनस 58 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 3364। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद इनटू का साइन होता है आपका। अब 6 को 711 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 4266 माइनस, एंड 61 का होल स्क्वायर आपका होता है स्टूडेंट 3721। ओके, यहां तक समझ में आ गया आपको। अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, 3588 में से हमें इससे क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तो आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 50। ठीक है, उसके बाद 3444 में से आपको 3364 माइनस करना है तो आपका आएगा रूट में 80 इंटू, फिर 4266 में से आपको 3721 माइनस करोगे तो आपका रूट में आएगा स्टूडेंट 545। ओके, यहां तक समझ में आ गया आपको। अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, 50 अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका रूट में आ जाएगा 43600। ओके, यहां तक ऑलमोस्ट सबको समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना होगा, लास्ट स्टेप स्टूडेंट्स, यहां पे जो 43600 दिया हो उसको रूट से बाहर निकालना है, तो रूट से आप बाहर निकालोगे स्टूडेंट्स तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए 208 आएगा 81 रूट में से निकालने के बाद। अब हमें क्या करना है, सिंपल तरीके से उससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। 50 अपॉन 208.81 से हम डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.24। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको समझाया था कोरिलेशन का जो आंसर होगा माइनस वन से लेके प्लस वन के बीच में आता है, तो आप लोगों का इसका जो आंसर है 0.24 आ गया है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7 देखेंगे, जहां पे हमें फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन एज एंड ब्लड प्रेशर के बीच में हमें कोरिलेशन फाइंड करना है। यहां पे देखिए, एज आपको दिया गया है एंड सिस्टमोलिक ब्लड प्रेशर सबको दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स एंड वाई की वैल्यू आप राइट कर दोगे। ठीक है, एक्स एंड वाई की वैल्यू राइट करने के बाद हमें क्या करना होगा, इसका टोटल करना होगा। ठीक है, तो एक्स का टोटल हम करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, एक्स का टोटल 458, 55 सब टोटल करना है हमको, तो टोटल आपका हो जाएगा सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 464। ये आप लोगों का टोटल हो जाएगा एक्स वार का। ठीक है, सिग्मा एक्स वार का। अब हमें वाई का टोटल करना है, तो वाई का टोटल आपका हो जाएगा स्टूडेंट सिग्मा वाई इज इक्वल टू 1153। अब टोटल करने के बाद हमें क्या करना है, एक्स वार फाइंड करना है एंड वाई वार फाइंड करना है। एक्स वार और वाई वार फाइंड करने के बाद, ठीक है, इसमें तो क्या होता है, इंटीजर्स भी हो सकता है या फ्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन हमें ये भी देखना है एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो स्मॉल है या फिर लार्ज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी जो वैल्यू है वो आपकी लार्ज है, तो आप इससे बता सकते हो कि हमें यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 3 क्या करना है स्टूडेंट्स, यूज करना है। चलिए फाइंड करते हैं हम लोग। हियर एन की वैल्यू देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। सो एन इज इक्वल टू आपका स्टूडेंट्स दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। ठीक है, एक्स को हमने ए सब दिया गया है और वाई को हमारा ब्लड प्रेशर राइट किया गया है। अब हम यहाँ पे एक्स वार फाइंड करेंगे, सो सिग्मा एक्स वार अपॉन एन, सो 464 अपॉन 8, तो आप लोगों का आ जाएगा स्टूडेंट्स 58। ठीक है, यहां पे आपको एक्स वार की वैल्यू आ गई है। अब हम यहां पे निकालेंगे वाई वार की, उसका फॉर्मूला आता है सिग्मा वाई वार अपॉन एन। ठीक है, तो वाई की वैल्यू है आपकी 1153 अपॉन 8। ठीक है, तो डिवाइड करोगे तो आपका आएगा
44.125, ये आपकी y बार की क्या है स्टूडेंट्स, वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए u फाइंड करना है और यहां पे v फाइंड करना है। तो आप लोगों का जो x है वो तो आपका परफेक्ट डिजिट में आ गया 58, तो यहां पे हम राइट करेंगे x माइनस 58, मीन्स जो x की वैल्यू होगी उसमें से 58 क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे। एंड बट जो आपका y है जिसमें यहां पे हम करते हैं स्टूडेंट्स y माइनस, तो देखिए y की जो वैल्यू है आपके पॉइंट में आएंगे मीन्स डेजिमल में, तो आप लोग क्या कर सकते हो स्टूडेंट, इसको एक परफेक्ट डिजिट राइट कर सकते हो। जैसे कि आप इसे 140 भी सपोज कर सकते हो, उसके आसपास नियरेस्ट जो वैल्यू है जैसे 144 है तो आप 140 को भी सपोज कर सकते हो एंड 150 को भी, उसके जो नियरेस्ट वैल्यू होती है। तो यहां पर मैंने 150 को क्या कर लिया है, उसके नियरेस्ट सपोज कर लिया है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए x माइनस 58, मतलब 58 में से 58 जाएगा आपका, तो आपका बचेगा स्टूडेंट्स 0, ठीक है। 55 में से 58 गया तो माइनस का 3, 65 में से 58 गया तो आपका रिमेनिंग होगा 7, ठीक है। ऐसे आपको फटाफट क्या कर देना है स्टूडेंट्स, माइनस कर देना है। समझ में आ रहा है आपको कैसे माइनस किया मैंने स्टूडेंट्स, 4 एंड माइनस 2। उसी प्रकार से हमें क्या निकालना है, ठीक है, यहां पर हमने u निकाला था और यहां पे हमने v निकाला है जिसमें y माइनस 150 किया है, तो y की वैल्यू 130 में से 150 माइनस किया तो माइनस का क्या आ जाएगा आपका 20, 150 में से 150 गया तो 0, 150 में से 150 0, 130 में से 150 माइनस का 20, 140 में से 150 माइनस का 10, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहां पर भी क्या कर देना है स्टूडेंट्स, वैल्यू फाइंड कर देना है। अब इसका आप टोटल करोगे, यहां राइट करोगे सिग्मा यू इज इक्वल टू आपका है स्टूडेंट्स 0 एंड सिग्मा वी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस का 47। क्या करना है, पहले माइनस को प्लस कर लेना और प्लस में से इसको माइनस कर देना, आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब यू स्क्वायर निकालना है, यू मीन्स होता है यहां पे दिया, इसका होल स्क्वायर करना है, यू जीरो का स्क्वायर 0, ठीक है। और याद रखना है हमेशा जब स्क्वायर होता है तो उसका नेगेटिव का भी पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव का तो ऑलरेडी पॉजिटिव रहता ही है। माइनस 3 का होल स्क्वायर करोगे तो आप हो जाएगा 9, 7 का 49, 6 का 36, 10 का 100, 10 का 100, 4 का 16 एंड 2 का 4, ठीक है। इस प्रकार से इसका टोटल हम करेंगे तो आपका आएगा सिग्मा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 314, ये हमारा यू स्क्वायर का टोटल आ गया। अब वी देखोगे स्टूडेंट्स, वी में हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, 20 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 400, 0 का 0, 0 का 0, 20 का 400, 10 का 100, 8 का 64, ठीक है, 5 का 25 एंड 10 का 100, इसका टोटल करोगे आप, ठीक है, तो वी स्क्वायर आ जाएगा आपका सिग्मा 1089, ठीक है। उसके बाद हमें यू भी निकालना है, तो यू भी निकालने के लिए हम दोनों को यू और वी से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, मीन्स 0 को माइनस 20 से तो आपका आ जाएगा स्टूडेंट 0, माइनस 3 को 0 से करेंगे आएगा 0, 7 मल्टीप्लाई 0 वी गेट 0, 6 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 20 से, तो देखो माइनस माइनस प्लस तो 6 20 या 120 होता है आपका, 10 को 10 से करेंगे तो आपका 100, साइन का आपको ध्यान रखना है 10 8 जा 80, 4 5 जा 20 एंड 2 10 जा 20, सबका टोटल करोगे आपका आएगा सिग्मा यू वी इज इक्वल टू स्टूडेंट 340। चलिए अब हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला राइट करना है और उस पर वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है आपका, पहले तो हम लिखेंगे कोरिलेशंस, ठीक है, कोरिलेशंस कोएफिशिएंट के बाद उसकी जो साइन है उससे यहां पे राइट करेंगे आर इज इक्वल टू, ठीक है, फॉर्मूला होता है एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन रूट में आपका आएगा स्टूडेंट्स एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर इंटू एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का
होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू रख देनी है। ठीक है, आर निकाल रहे हैं हम लोग। देखो एन आपका 8 था, 8 लिख लिया। सिग्मा यू बी, तो देखिए सिग्मा यू बी आपका दिया है 340, तो 340 यहां राइट कर दीजिए। सिग्मा यू, देखिए सिग्मा यू जो है उसकी वैल्यू आपको यहां पे दे दी गई है स्टूडेंट्स 0, एंड वी की वैल्यू दी है -47, तो 0 मल्टीप्लाई -47। अंडरस्टैंड्स? नेक्स्ट अपॉन में आपका दिया है स्टूडेंट्स एन मींस 8 मल्टीप्लाई सिग्मा यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर आपका दिया है 314। ठीक है, देखिए यू स्क्वायर आपको दिया 314 माइनस सिग्मा यू का स्क्वायर, तो देखिए सिग्मा यू का स्क्वायर मींस क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स आपको 0 का स्क्वायर इंटू, उसके बाद एन मींस 8 सिग्मा बी, तो सिग्मा बी आपका यहां पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स 1089, तो 1089 माइनस सिग्मा बी का होल स्क्वायर आपको दिया हुआ है यहां पे देखिए कितना 47, तो कर लीजिए -47 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर लिया है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, 8 को 340 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 को 340 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 2720 माइनस 0 को आप किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 0 ही आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, अब 8 को 314 से करना है, ठीक है, तो आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 2512। ओके, अब उसके बाद 8 को 1089 से करेंगे तो 8712 माइनस 47 का स्क्वायर करोगे तो आपका आ जाएगा 2209, और आपको पता होगा स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में आता है तो प्लस में आया है। अब 2720 में से 0 माइनस करेंगे तो वही आएगा आपका, उसके बाद 2512 इंटू 8712 में से 2209 हम माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा रूट में 6503। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और रूट के बाहर क्या करना है निकाल देना है। तो देखिए 2720 अपॉन 2512 को 6503 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट्स आपका आएगा 1633536। यहां तक आपका आ गया स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, इसको रूट से बाहर निकाल देना है, तो रूट से बाहर हम इसको निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 2720 अपॉन 4041.72। ओके, तो 2720 को 4041.72 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.67। सो इस प्रकार से हमारा कोरिलेशन क्या हुआ स्टूडेंट्स फाइंड हो गया है।